वैसे तो महिलाओं ने बहुत सारे क्षेत्रों में अपनी काबिलियत दिखाई है, लेकिन फिर भी हम आज बात करने वाले हैं महिलाओं द्वारा किए गए 10 आविष्कार। वीडियो में आगे दिखने वाले जितनी भी महिलाओं ने आविष्कार किए, सब की सब एक ही राष्ट्र को बिलोंग करती है, वो है अमेरिका। कैथरीन ब्लॉगर्ट ब्लर, ये एक महिला है जिन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से PhD की 1926 में, और PhD करने के बाद ही उन्होंने जनरल इलेक्ट्रिक ने उनको हायर कर लिया। 1935 में उन्होंने एक ऐसे ग्लास यानी कांच का आविष्कार किया जो कि इनविजिबल है। इनविजिबल मतलब आज हम ग्लास देखते हैं जो कि एकदम क्लियर होता है, उसी का आविष्कार इन्होंने किया है। कार में यूज होने वाला वाइपर तो आप सब जानते ही हैं, इन्हीं का आविष्कार किया गया है मैरी एंडरसन के द्वारा 1903 में। लेकिन जब वो एक फर्म के पास पहुंची कनाडा में तो उन्होंने उनको रिजेक्ट कर दिया, और इसी के बाद 1922 में जब उनका पेटेंट का अवधि खत्म हुई तब ये हर गाड़ी में यूज़ किया जाने लगा। कैडिलैक विश्व की पहली कार है जिसमें वाइपर का उपयोग किया गया था। बर्तन धोने की मशीन यानी कि डिशवॉशर तो आप सब जानते ही हैं, इसका आविष्कार किया गया जोस्पिन कॉकरेन के द्वारा। ये US की एक रिच महिला थी और ये हमेशा पार्टियाँ अपने घर पर देती रहती थी। हालांकि इनके पास बहुत सारे नौकर थे, लेकिन वो फिर भी ऐसी मशीन चाहती थी जिसमें कि बर्तन और अपने आप धुल के बाहर निकले, और इसी के लिए उन्होंने डिशवॉशर का आविष्कार किया जिसे कॉकरेन डिशवॉशर भी कहा जाता है, और इसका पेटेंट भी उन्होंने मिल गया। 1893 में वर्ल्ड कोलंबिया एक्सपोजिशन जो कि शिकागो में हुई थी, वहाँ उन्होंने इसको प्रदर्शित किया और वहाँ उन्होंने सर्वोच्च पुरस्कार उसका उनको मिला। वाइटनर को तो आप सभी जानते ही हैं, इसका आविष्कार टेक्सास बैंक में काम करने वाली एक सेक्रेटरी जिनका नाम बेटी नेस्मिथ ग्राहम था, उन्होंने किया। उन्हें नॉर्मल चीज़ों को मिटाने में इतना अच्छा नहीं लगता था, तो उन्हें लगा इसको कुछ आर्टिस्टिक लुक देना चाहिए, इसलिए उन्होंने इसका आविष्कार किया। पहले ये मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक हमारे जो टाइपराइटर आते हैं उसमें यूज़ होता था, और बाद में इसे मिस्टेक आउट करके फ्लूइड का पेटेंट मिला 1956 में। चॉकलेट चिप्स कुकीज़ का नाम सुनते ही हमारे मुँह में पानी आने लगता है, इसका आविष्कार रूथ ग्रीव्स वेकफील्ड ने 1930 में किया जो कि एक अमेरिकन चेफ थी। इसकी रेसिपी उन्होंने नेस्ले को सोल्ड की एक ही शर्त पे कि उन्होंने लाइफ टाइम चॉकलेट कुकी की सप्लाई हमेशा मिलती रहे। सर्कुलर सॉ जिसे कि हम आरी भी कहते हैं हिंदी में, इसका आविष्कार तबिता बेबिट ने 1813 में किया। उन्होंने देखा कि जो कारपेंटर लकड़ी काटते हैं उनका आधा टाइम तो उसमें वेस्ट हो जाता है, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक आरी यानी कि सर्कुलर सॉ नामक मशीन का आविष्कार किया जिससे कि लकड़ी काटने में कम से कम मेहनत लगे। कंप्यूटर के आविष्कार करने वाले का नाम तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोबोल जो कि कंप्यूटर लैंग्वेज है उसका आविष्कार किसने किया? तो उसका आविष्कार एक महिला ने किया जिनका नाम है एडमिरल ग्रेस मोरे हूपर। ये US आर्मी में काम करती थी, उन्होंने 1943 को वहाँ पे ज्वाइन किया और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में आगे का काम अपना जारी रखा। कोबोल का काम था कि जो हम लोग इंग्लिश कीबोर्ड पे टाइप करते हैं उसको कंप्यूटर कोड में जनरेट करके मशीन को समझ में आए। जब हूपर ने उसके सेकेंड कंप्यूटर का लॉन्च किया जिसका नाम फ्लोमेटिक था, जिसमें यूनिवैक AC 1 और 2 लैंग्वेज चलती थी और उसे कमर्शियली बनाया गया, उनकी सफलता को देखते हुए उन्होंने बहुत सारे पुरस्कार और टाइटल उनको मिले, और उसके बाद US नेवी ने उनके ऊपर एक वॉरशिप का भी नाम रख दिया था। कलर्ड फ्लेयर नेवी में यूज़ किया जाने वाला ऐसा सिग्नलिंग सिस्टम है, जब कोई शिप के ऊपर कोई मुसीबत आती है तो अपनी गन से फायर करता है, ये आपने मूवीज़ में देखा होगा, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कलर्ड फ्लेयर किस प्रकार फायर किया जाता है। इसका आविष्कार मार्था जेन, उनके हस्बैंड की मृत्यु के बाद उन्हें उनके कुछ दस्तावेज मिले और उन्हें लगा कि उनका जो अधूरा सपना था नेवी के सिग्नलिंग सिस्टम का वो उनको पूरा करना चाहिए। इस दौरान उन्होंने तकरीबन 10 साल का समय उन्होंने लगा और उसके बाद उन्होंने फ्लेयर सिग्नल बनाए। 5 अप्रैल 1859 को US पेटेंट उनको मिल गया और इसे पॉलीटेक्निक नाइट सिस्टम एंड कोड सिस्टम कहा जाता। बचपन में हम लोगों ने एक गेम खेला था जिसमें हम लोग चीज़ों की लेन देन करते थे पैसों के द्वारा, उसे हम लोगों ने नाम दिया मोनोपोली। अब मोनोपोली गेम आप सब ने देखा या नहीं भी खेला तो सुना होगा, इसका आविष्कार एलिजाबेथ मैगी फिलिप्स ने किया। उनका एक बेसिक कंसेप्ट था कि जो सिंगल टैक्स थ्योरी सिस्टम है हेनरी जॉर्ज की, उसको समझने के लिए उन्होंने इस गेम को बनाया था। फायर एस्केप यानी आग से बचाव सिस्टम हर जगह किया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है इसका आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार एना कॉलरी ने 1887 में किया था, लेकिन क्योंकि उनको इसका पेटेंट नहीं मिला इसलिए जो बाहर की स्टेयरकेस थी उसका पेटेंट इनके नाम से जाना जाता है।